अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जर्मनी की एक मज़ेदार सी डिश दिखाएंगे जिसको कहते हैं डोनर कबाब। यहाँ पर जर्मनी के शहर म्यूनिक में प्लानक के अंदर एक नई शॉप ओपन हुई है फ्रेशस कबाब के नेम से। वहाँ का डोनर बहुत मज़ेदार है, मैंने अक्सर वहाँ से खाया है। आज मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि डोनर कबाब क्या होता है, कैसे बनता है, कैसा दिखता है। शॉप का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे, वहाँ पर क्या कुछ और ऑप्शन हैं आप भी देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। How are you? I'm good, how are you? Somit ne mi? Somit. Somit ne mi? Onu soza. Ya. Okay. Wow. Bitte schön. It's very, very good. Thank you. Yeah, put the flash on. Şaf, çekni, kokteyl soda, mango, salat, piyaz, seyidir, rice, roncan, tomate, ekstra. Nice. Thank you. Salon.
ये जर्मनी का सबसे बेहतरीन डोनर है, डोनर विद मीट। इसमें टर्की का मीट डालते हैं, ये टर्की का बहुत टेस्टी है। इसमें मीट है, टमाटर है, प्याज है, सलाद है, तीन किस्म की सॉस होती है, एक मायोनीज, एक इसमें होती है मैंगो सॉस और एक इसमें होती है चिली सॉस। उसके अलावा इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं और बाकी डिफरेंट किस्म की सलाद और ज़्यादा सारा गोश्त। गोश्त ग्रिल हुआ होता है, जो कि मैंने वीडियो में शो किया था कि गोश्त ग्रिल हुआ होता है। मेरे डोनर में इस वक्त काल्ब का, काल्ब कहते हैं बछड़ा, तो बछड़े का गोश्त है जो कि मैरिनेटेड ग्रिल्ड है, उसको डालते हैं ये डोनर ब्रेड में। ये ब्रेड होती है बर्गर की तरह की, इसको कट करते हैं बीच में से जैसे मैं वीडियो में शो किया, और उसके अंदर फिर इसको बन की तरह बीच में सारे मसाले भरते हैं। तो उसको बीच में बन की तरह सारे मसाले भरते हैं, सॉस सबसे पहले लगाते हैं। इसमें मैंगो सॉस होती है, मायोनीज होती है, मैंगो सॉस होती है, मायोनीज होती है, सलाद होता है, चिली सॉस होती है, सलाद में टमाटर, प्याज, बंद गोभी, चीज़ डाल सकते हैं बीच में और चिलीज और मसाला स्प्रिंकल करते हैं ऊपर। हेल्दी फास्ट फूड, साथ इसके आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। रेड बुल पड़ी है, आयरन पड़ी है, जो कि लस्सी होती है, कोला है, मिज़ो मिक्स है। तो ये एक मज़ेदार डोनर, डोनर बहुत अच्छा है और मैं इस शॉप पर ही आता हूँ हमेशा। जब भी डोनर खाने आता हूँ मैं इसी शॉप पर आता हूँ और घर के लिए भी यहीं से लेकर जाता हूँ। जो भी जर्मनी में है स्पेशली उनको फुली रिकमेंडेड है कि प्लानिक में फ्रेशस कबाब के नाम से ये शॉप है। कभी भी प्लानिक आए या अगर कोई प्लान बने प्लानिक से गुजर रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर स्टॉप बाय करें। रात 8 बजे तक ही ओपन होती है शॉप और सैटरडे को भी ओपन होती है, संडे को छुट्टी होती है इनकी। तो यहाँ पर आएँ और ये डोनर ज़रूर ट्राई करें, इट्स अ मस्ट ट्राई डोनर। ये इसमें यहाँ पर सॉस और फ्लैश का जो है ना एक बहुत बेहतरीन कॉम्बो होता है लास्ट में, देख सकते हैं नीचे ऐसे बंद है और यहाँ पर जो सॉस और स्पाइसेस और मीट और सलाद का कॉम्बो होता है ना, बहुत ही माउथ वाटरिंग होता है। तो जितनी लास्ट में आप बाइट पर आएंगे उतने ही ज़्यादा जो है ना आपके मुंह में पानी के बॉम्ब फटने वाले हैं। कमाल। दो जीबी मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त भाईजान, मज़ेदार या जेर लेकर। थैंक यू ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Ich bin Farid. Farid Ansari. Ich bin Anas Javed. Anas Javed. MashaAllah. Bye bye. Thank you soon. सो हमने डोनर खाया, डोनर बहुत मज़ेदार था। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हलाल फूड्स में ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, डोनर शॉप में भी आप खा सकते हैं और आप घर भी लेके जा सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। ये यहाँ पे बहुत फेमस है, चाहे वो जर्मन हो चाहे वो बाहर से आने वाले लोग हों, उन सबको बहुत पसंद है और एक मस्ट टू ईट चीज़ है। और क्योंकि बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं तो उनमें से ढूंढना कि कौन अच्छा डोनर बनाता है वो मुश्किल होता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है जितने मैंने ट्राई किए हैं म्यूनिक में, म्यूनिक से बाहर। ये एक बहुत ही मज़ेदार डोनर है, तो उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।